एलजी साहब से अपील करता हूँ कि एलजी साहब प्लीज जितने भी एम्प्लॉयज कश्मीर में काम करते हैं उनकी सूटेबल कंसिनेशन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और साथ में सैलरी भी रिलीज किया जाए। ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी में हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर आप ये साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर पहुंचे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, सड़कों पर बैठे हैं। आखिरकार ये छोटे बच्चे यहाँ पर सड़कों पर क्यों बैठे हैं? जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि जिस तरीके से रिजर्व कैटेगरी जो है वो मांग कर रही है, डिमांड कर रही है, लेकिन सरकार जो है वो अभी तक सुध नहीं ले रही है। आपको बताते चले राजभवन के सामने ये छोटे बच्चे यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बेटा क्या कहना चाहोगे राजभवन के सामने बैठे हैं आप? मैं राजभवन से यही कहना चाहूँगा सर कि जल्द से जल्द मेरी मम्मा की ट्रांसफर फर्सी और सैलरी लिस्ट कीजिए क्योंकि हम लोग 8-8 महीने से स्कूलिंग गए हैं और हमारे भविष्य का कोई पता नहीं कि हम ही अपने देश का भविष्य हैं और अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। जी साफ तौर पर यहाँ पर अपील यानी कि आग्रह जो है निम्रता जो है वो की जा रही है कि सरकार से जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा से ये आग्रह कर रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो हमारे पेरेंट्स को दी जाए। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो सब लोग हैं उनकी उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कश्मीर में पहले जैसे हालात नहीं रहे, अभी वहाँ नॉन लोकल लोगों की टारगेट किलिंग्स हो रही है, तो ऐसे मौके पे हमारे पेरेंट्स वहाँ नहीं रह सकते। तो मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी ट्रांसफ़र, हमारे पेरेंट्स की ट्रांसफ़र उनके होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाए ताकि हम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकें क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को खो। कितना टाइम हुआ है आपको स्कूल ना जाते हुए? स्कूल ना जाते हुए हमें 8 महीने। 8 महीने ऑनलाइन क्लासेस लगते हैं? ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं। तो कैसे पढ़ते हैं आप? पढ़ने का तो अभी मतलब कि कुछ है ही। 8 महीने से ये बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं गए हैं और एलजी मनोज सिन्हा से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो दी जाए। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरा नाम गुन है और आज हम लोग यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं, सबकी एक ही मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द से जल्द की जाए। पहले हमारे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए थे 8 मंथ से, आज हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। हम लोग इतने छोटे छोटे हैं, हम लोगों को इस टाइम पर पढ़ना चाहिए और हम पढ़ने के टाइम में हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है, हम लोगों को इसमें पढ़ना चाहिए और हमारा फ्यूचर बनाना चाहिए। जबकि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं तो क्या ही फ्यूचर बनेगा जम्मू का, जब यहाँ के सारे डोगरा यहाँ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ के फ्यूचर नहीं बन सकता। और हम लोग यही बोलेंगे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द से जल्द लागू की जाए क्योंकि हमारे पेरेंट्स 7-8 मंथ बाहर रहते हैं एंड 7-8 मंथ वो बाहर रहेंगे, पीछे हम लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे दादू दादी हैं, वो सब लोग कैसे मैनेज करेंगे अगर पीछे से उनको कुछ हो जाता है? क्योंकि बुजुर्ग हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनकी हेल्थ को कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रही है तो क्या इंसान की हम लोग पैसों से नहीं तोल सकते ना उसे? तो यही एक मेरी मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए और सैलरी भी रिलीज़ की जाए क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा क्योंकि जो हम लोग गुड्स ले रहे हैं, हमारी जो रोज़मर्रा की। कितने मंथ्स हो चुके हैं आपको स्कूल ना? 8 मंथ्स। 8 मंथ यानी कि 8 महीने से आप स्कूल नहीं गई हैं, तो पढ़ाई किस तरीके से करती हैं? वही है, पढ़ाई का कोई साधन ही नहीं रहा क्योंकि हम लोगों की फीसेज नहीं भरी हुई हैं, सैलरीज नहीं रिलीज़ हो रही हैं। अगर हम लोग 8 मंथ से, क्योंकि मोर देन हाफ ईयर हो गया हुआ है और हम लोग यहाँ पर हैं, 2 ईयर से कोविड था एंड अभी हम लोगों को 1 साल होने वाला है, हमारे 3 साल ऐसे बर्बाद हुए हैं, हम लोगों का क्या फ्यूचर रहेगा? तो यही मांग है कि जल्द से जल्द सैलरी रिलीज़ की जाए और ट्रांसफ़र पॉलिसी भी। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, यहाँ पे सभी पेरेंट्स आए हैं, 8 मंथ हो गए उन्हें, कि वो खुद पहले करते थे, पहले वो उन्होंने खुद प्रोटेस्ट की है लेकिन अब हमें मजबूरन बच्चों को आना पड़ रहा है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं 8 मंथ से, वो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं गए हैं, वो जो अभी जिनको अभी घर पे यहाँ पे स्कूल पे होना चाहिए था वो अभी यहाँ पे हैं, जो कि सही नहीं है। इसीलिए
हम मनोज सर से यही वो अपील करेंगे कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए। जहां पर एम्प्लॉयज धरना प्रदर्शन करते थे वहीं पर आप राजभवन के सामने बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा से अपील कर रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी दी जाए और सैलरी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर छोटे बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कभी इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी कभी देखना पड़ेगा जहाँ बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करना पड़े। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं जहाँ पर सोचा भी नहीं था, लेकिन अब ये दिन जो है वो देखना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये साफ तौर पर ये तस्वीरें जो है वो राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर इम्प्लॉयज रिजर्व कैटेगरी इम्प्लॉयज जो है वो अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं और साथ ही साथ मेमोरेंडम भी दिया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी सुध जो है यानी कि कोई भी नतीजा जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। आखिर जिस तरीके से लगातार बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है वो 8 महीने से स्कूल नहीं गए हैं, पढ़ाई इनकी जिस तरीके से कहा जाता है कि बच्चा देश का भविष्य है तो उसी बच्चे के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि 8 महीने से बच्चा स्कूल नहीं गया है। आखिरकार वो क्या पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं बच्चे के साथ यहाँ पर छोटे बच्चे के साथ जो कहा जाता है कि देश का भविष्य है और उसी भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये साफ तौर पर ये तस्वीरें राजभवन की ये तस्वीरें हैं, राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी दी जाए, सैलरी को रिलीज किया जाए। इससे पहले भी कई सारे आश्वासन दिए गए, दिवाली पे आश्वासन दिए गए, करवा चौथ पर आश्वासन दिए गए कि सैलरी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा, लेकिन बस वो आश्वासन पे आश्वासन ही निकला, वो एक आश्वासन ही निकला, कोई भी नतीजा या सैलरी रिलीज नहीं की गई। अभी तो कोई भी डिसीजन जो है वो सामने नहीं आया है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से मेमोरेंडम जो है एलजी मनोज सिन्हा को पेश किया गया है तो क्या उस पर सुध ली जाती है या नहीं ली जाती है, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।